अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे पता है कल आपको कि PSL का जो सा एंथम है PSL 7 को लॉन्च हो गया, तो आपको पता है मैंने ये जो PSL 7 की एंथम थी बहुत बेकरारी से इंतजार का, क्योंकि मेरा PSL का बहुत शौकीन है और मैं देखना चाहता था। जब मुझे पता चला तकरीबन मैच जो सा इसका एंथम आया था वो 8 बजे था, और जिसके बाद मुझे जो सा पता चला था वो उसकी टाइमिंग थी 10 बजे। जब मुझे पता चला तो मेरी कुछ हालत इस तरह की थी। इतनी खुशी जब मैं सॉन्ग सुना, एंथम सुना, तो इसमें जो सब पहले सबसे पहले जो सब मैंने लोगो देखा जो आपको मैं दिखाने लगा, इसके बाद तो पता ही चल गया सॉन्ग कैसा होना। जो सा लोगो था वो ये, मैं देखा टिकटॉक का ये लोगो तो मुझे पता चल गया अब इस गाने में कुछ अलग ही होगा, कुछ अजीब ही देखने को मिला है। तो ठीक है, फिर जब मेरा गाना स्टार्ट हुआ, क्या एंथम यूज हुआ, शुरू में तो बहुत अच्छा जा रहा था, यानी बहुत अच्छा आती फसल बहुत अच्छा आगाज किया था। लेकिन दरमियान में जब भी दोबारा एक टिकटॉक का लोगो दिया गया आपके सामने, जो मैं आपको एक और दोबारा जो सा टिकटॉक का लोगो दिया, अगर आपने सॉन्ग एंथम देखा तो आपने ये लोगो जरूर देखा होगा मेरी जो सा एंथम के दौरान, वो आपको ये लोगो मैं दिखाता। फिर इस सीन के ऊपर पूरा जो सा था एंथम का रुख ही चेंज हो गया, तो आतिफ असलम की रफ्तार जो सी स्पीड थी वो इतनी तेज़ हो गई कि जिसका आप हिसाब भी ना आ सकते। आप एक समझिए कि आतिफ असलम जिसके मैं खुद बताता हूँ, मैं जब सा अक्सर इसके म्यूज़िक गाने लगा के ना देख बैठ जाता हूँ और बड़ा मज़े से सुनता हूँ, लेकिन जब इसकी मैंने एक आवाज़ चुनी इतनी फास्ट स्पीड में, जैसे एक रैपर आप एक क्लासिक किस्म के जो से सिंगर को आप एक रैपर के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह का ही आना था। फिर आपको इसके बाद एक और मज़े की चीज़ जो कि आपने एक जो सा अब्दुल्ला सदीकी, जी हाँ अब्दुल्ला, ये बंदा सॉन्ग के अंदर एक एज अ फजूल बंदे के तौर पर मैंने जिसको फोकस किया, एज अ फजूल बंदा है, और इसकी आवाज़ जो इससे मिक्सिंग की है तो वो मैं आपको सुनाऊँगा तो एक ही लफ्ज़ निकलेगा। चलो पहले मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, फिर क्या लफ्ज़ निकलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको इसको ना जो सा PSL सॉन्ग के अंदर इसका सीन आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर इस बंदे की और आइमा बे की आवाज़ की इस तरह से मिक्सिंग होगी कि जिसको सुन के बाद ना बंदा एक ही चीज़ कहेगा। फिर इसके बाद जो सी आइमा बे की एंट्री होती है तो उस एंट्री पे तो हम उसका दूसरा डांस देख के उस पर तो एक ही गाना फिट लगेगा, शीला शीला की जवानी आइमा है उसकी नानी। इसके बाद दूसरा मज़े का सीन आया जिस तरह आइमा बेग आतिफ असलम के साथ जुड़ी हुई थी, तो पहले वो सीन दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे कमेंट आए हैं वो आला सारे आपको कमेंट भी दिखाते हैं। तो ये वो सीन था जिसके साथ आइमा जो बेग थी किस तरह आतिफ असलम के साथ जुड़ी हुई, जिसके बाद जैसे कमेंट आए हैं इस पर वो भी दिखाते हैं। हमें बहुत लग रही है, ये तो टट्टी है, तुम्हें शर्म है कुछ? और जब मैंने पूरा सॉन्ग सुन लिया, पूरा एंथम देख लिया PSL 7 का, तो उसके बाद जो सी मेरी हालत थी जो सी वो कुछ इस तरह की थी। मुझे कुछ दिखाएंगे ये एंथम सुनने के बाद मैं एक चीज शख्स से माफी मांगना चाहूंगा, वो कौन? वो है नसीबोला। मैं उनसे कहूंगा जो सा आपका सॉन्ग आया था वो इससे काफी हद तक बेस्ट था, ये तो एकदम ये तो टट्टी है। तो ये एंथम सुनने के बाद मैं एक ही चीज कहूंगा जो सी PCB और PSL की मैनेजमेंट को, वो ये है कहाँ से आते हैं, और जो कि एक और चीज इस शौक में वो ये है कंट्रोल, ऊपर से बॉर्डर आ गया तो अब इस शौक के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी वीडियो आपके लिए रोस्ट अच्छा लगा हो तो इस रोस्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, आपसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमें मोटिवेशन दे, ताकि हम इस तरह की रोस्टिंग वीडियो आपके लिए आइंदा भी बनाते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।